जननायक जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में अपना नया संगठन खड़ा किया गया है, जिसके चलते करनाल में भी जिला अध्यक्ष को बदलकर इंद्रजीत सिंह गोरैया को करनाल जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति पर इंद्रजीत सिंह गोरैया ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एवं पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया का करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। उनको फूलों के बुके एवं सिरोपा भेंट किया गया। जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया ने बताया कि आगामी 25 सितंबर को जननायक ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी आज की मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं। जननायक ताऊ देवीलाल का जन्म दिवस पूरे मान सम्मान के साथ मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम को अब की बार सोशल डिस्टेंस रखकर मनाए जाने की बात भी कही गई है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी यशकरण राणा व गुरुदेव रंबा के अलावा बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास करने वाले जिला करनाल के मेरे सारे साथियों, आज का जो कार्यक्रम था, जैसा कि आपको बताया कि पार्टी का नया सेंटर बना है, नए सेंटर में कुछ जिम्मेवारी या कुछ पुराने साथियों के पास रह जाती है, कुछ नए साथियों के पास आ जाती है। आज उसी के बाद आप सबका यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, आपका मिलता करवाने के लिए, उस खुशी को बांटने के लिए आपके बीच में सारे हम एकत्रित हुए थे। बताइए किस लिए इकट्ठे हुए आज यहाँ? आज जननायक जनता पार्टी के जिला करनाल के सारे वरिष्ठ साथी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस करनाल में जो एकत्रित हुए हैं, आज पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करने के लिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, दुष्यंत चौटाला जी का, सरदार निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी का, इन सब का जो है धन्यवाद करने के लिए वरिष्ठ साथी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। क्योंकि संगठन में बदलाव हुआ है और संगठन में बदलाव होने के बाद पार्टी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिला की कमांड सौंपी है, उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे साथी, हमारे जो सारे हमेशा साथ चलने वाले साथी, उन्होंने पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद किया है। इसके बाद सारे एकत्रित हुए। किस तरह संगठन को मजबूत करने में आप योगदान देंगे? नए प्रधान चुने गए, संगठन हमारा हर गांव स्तर तक है। पहले चौधरी देवीलाल जी के नीतियों में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ा जाए, वो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, पीछे हमारे प्रत्येक हल्के में 2500 मेंबर हमने सक्रिय जो हम सदस्यता दी थी, और अब उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे भी जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम दुखसुख में जाएंगे और बाकी भी हर हल्के में, हर गांव में जाकर के हर वार्ड तक अपना संगठन खड़ा करने का जो काम करेंगे। 25 सितंबर के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? 25 सितंबर को जो देवीलाल जी का 107वां जन्म दिवस है, और उसको ये कोरोना महामारी के कारण हम बड़े स्तर पर रैली के रूप में नहीं मना सकते, लेकिन उसके हम समाज सेवा को समर्पित कर रहे हैं उनका ये जन्मदिवस। और 107वां जन्मदिन है और 107 यूनिट प्रत्येक जिले में हम ब्लड डोनेशन देकर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उससे पहले हम जहाँ जहाँ भी जो देवीलाल जी की मूर्तियाँ हैं वहाँ पर इकट्ठे होकर के जो सर्वधर्म प्रार्थना है वो करने का काम करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.